नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में जबलपुर की ओमती थाना पुलिस के द्वारा 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुए 16 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओमती थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भवरताल गार्डन के पास टीवीएस स्कूटी लिए हुए एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ। सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम के द्वारा नीरज कुशवाहा नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। जब पुलिस ने नीरज कुशवाहा से पूछताछ की तो उसने चोरी की स्कूटी की बात कबूल की। वहीं नीरज कुशवाहा ने अपने 4 अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस पूछताछ में बताया, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपियों के कब्जे से 16 दोपहिया वाहन चोरी के बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। लगातार जबलपुर पुलिस शातिर नकबजनों और चोरों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। उसमें हमारे एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला और थाना प्रभारी ओमती, थाना प्रभारी लाडगंज और हमारी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें शातिर वाहन चोर जो 5 की संख्या में है, इनको पकड़ा गया है। ये जबलपुर के ही रहने वाले हैं और उनसे लगभग 16 वाहन अभी तक बरामद हो चुके हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।